नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, प्रेजेंट सर। संजना, जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित। प्रेजेंट सर। अच्छा, और कोई रह गया अटेंडेंस में? जल्दी से बताओ। यस और नो? व्रज इज प्रेजेंट। और कौन है? पल्लव इज प्रेजेंट। यस, डन डना डन। चलो, बहुत बढ़िया। और दिवाली वगैरह सेलिब्रेट कैसे करने वाले हो फिर इस बार? कोई प्लानिंग वगैरह किया आप लोगों ने, या घर पे ही बैठोगे? कोई प्लानिंग नहीं है? नो प्लानिंग एट ऑल इस बार? आपको दिवाली ऐसे सेलिब्रेट करनी है, बचपन में जितने पटाखे जलाते थे इस बार उतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? बचपन में जितने अनार जलाए, जितने पटाखे जलाए, जितनी फुलझड़ियाँ जलाई, उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अब दिवाली में, ठीक है? गिन लो अपने कितने पटाखे कौन चलाता था, उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस बार। इस बार दिवाली क्वेश्चंस की मनाना, पटाखों की मत मना लेना, ठीक है? आदित्य इज ऑल्सो प्रेजेंट। हाँ ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड हमने पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड हमने पढ़ लिया था, है ना? इनफाइनाइट सोलेनोइड कवर हो गया था, सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड कवर हो गया था, इसके बाद फाइनाइट सोलेनोइड भी आपको बताया था। जल्दी से बताओ सबके फॉर्मूले, फटाफट बताओ। इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? फटाफट क्विकली आंसर देना है, ऑन टिप्स होना चाहिए बेटा ये सब फॉर्मूले। आपको जितनी बार पढ़ोगे उतना ऑन टिप्स हो जाएगा, फटाफट बताते जाओ। यस, कौन बताएगा इनफाइनाइट का? मैं नाम लेता हूँ, वो बताएगा। ऐसे रैंडमली पूछूंगा किसी को भी, ये सही रहेगा ना? हाँ, जिसको बोलूंगा वो आंसर करेगा। पल्लव बताएगा। पल्लव, पल्लव योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड? पल्लव मेरी आवाज आ रही है आपको? एक तो बोलते भी नहीं है, पता ही नहीं चलता, गुंगों की तरह बैठ जाते हैं मीटिंग में। अरे आवाज तो निकालो अपनी बाहर, हैं? म्यू नॉट आई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2/2, म्यू नॉट आई बाई 2, ठीक है? बाई 2 का फैक्टर आप खा गए पल्लव, कल ही बताया था आपको, ठीक है ना? हाँ, बाई 2 का फैक्टर है, चलो ठीक है, वेरी गुड। सेमी इनफाइनाइट का कौन बताएगा? सेमी इनफाइनाइट का बताएगी ये मनीषा। यस मनीषा बताओ, सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड?
अरे जल्दी से आंसर दो, इतना सोचने की जरूरत क्या पड़ रही है। मनीषा, आई एम आस्किंग टू यू, यू हैव टू आंसर इट। व्रज बताएगा, व्रज। कैन यू रिपीट क्वेश्चन? बेटा इतनी देर से सो रहा था तू, हैं? सर इसलिए आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी, आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। दोबारा बोलिए। सेमी सर इनफाइनाइट की मेरे वजह में से। वो नहीं होती थी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड? ब्रज ये सोते रहते लगता है मीटिंग में, खाली चालू करके बैठ जाते हैं। हाँ? नंदिनी बताएगी, नंदिनी। यस नंदिनी, सेमी इनफाइनाइट सॉलिनॉइड की वजह से क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बताओ, कल की क्लास में पढ़ाया और आज ये हाल हो गया इनका। सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होती है। कौन सही बताएगा? प्रियांशी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। घर पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते आप लोग ना, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हो। ऐसे चलोगे बेटा तो कोई पढ़ने का फायदा नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ। घर पे अगर बिल्कुल भी आप रिवाइज नहीं करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कितना भी अच्छा पढ़ लोगे उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा डेली, जो हम पढ़ रहे हैं उसको घर पे एटलीस्ट रिवाइज तो करो, उतना एफर्ट तो करो कम से कम। उतना भी एफर्ट नहीं करोगे फिर ये टॉपिक स्किप हो गया एक बार, तो फिर आगे चले जाओगे तो नया टॉपिक आ जाएगा। बहुत बच्चों की ये टेंडेंसी होती है, वो क्या करते हैं अपने काम को टालते जाते हैं। आज सोचते हैं आज करेंगे, फिर मन नहीं किया तो कल कर लेंगे, फिर कल वापस यही सोचते हैं मन नहीं कर रहा परसों कर लेंगे। अब इसमें आपका लॉस क्या हो रहा है, ये फर्स्ट डे जो आपको काम करना चाहिए था वो काम आपका इकट्ठा होते जा रहा है, ठीक है? डे 3 में आपका काम और इकट्ठा होते जाएगा, और जब आप डे 4 डे 5 तक पहुंचोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो काम और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? जैसे आप डे 4 और डे 5 पे पहुंचोगे तो वो सारा आपका स्टैक होता जाएगा, इस तरह से स्टैक होता जाएगा, स्टैक होता जाएगा। फिर जब बच्चे को लास्ट में होश आती है तब उसको पता चलता है अरे मेरे को यहाँ से ही कुछ नहीं आता है, लेकिन तब उसके पास टाइम नहीं होता है करने के लिए, ठीक है? बाकी सब कुछ होता है, खाली टाइम ही नहीं होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, और अभी थोड़ा आप इसको यूटिलाइज कर लो, थोड़े से सीरियस हो जाओ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार एक ही बात बताता हूँ ताकि किसी बच्चे को कभी भी क्लिक कर जाए अगर ये पॉइंट, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो डेली का बेसिस का काम आपको डेली करना ही करना है, उसमें कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है? मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, 3 कॉपियाँ बना लो और तीनों कॉपियों को रोज अपडेट करो डेली, आपको डेली बेसिस पे उसको अपडेट करना है और पुराना रिवीजन भी करते जाना है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को उठा के देखा भी नहीं होगा, वो उधर हवा में धूल खा रहा होगा, नोट्स बना के ऐसे फेंक दिए होंगे, कैपेसिटर को उठा के देखा ही नहीं होगा, पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व ही नहीं किया होगा। तो वो सारे टॉपिक जब आप वापस उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वो आप रिटेन नहीं हो पाएंगे आपके, ठीक है? तो उसको रिवीजन करते जाना है आपको। रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा किसी दिन, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरे पास, लेकिन आप लोग फॉलो ही नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स है अगर आप फॉलो करना चाहो, लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो फिर उसका कोई टेक्निक नहीं, ठीक है?
एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? हाँ चलो आ जाओ, आज हम डिस्कस करने वाले मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। सपोज करो हमारे पास ऐसा एक वायर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर है। अब इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। सपोज करो इस वायर का रेडियस कैपिटल आर है, लेट से द रेडियस ऑफ दिस वायर इज कैपिटल आर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी विच इज लाइंग इनसाइड द वायर, एंड ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू विच इज लाइंग आउटसाइड द वायर। ठीक है, अब इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, वायर में करंट डेंसिटी आपको दिया हुआ है, करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका करंट डेंसिटी जो वायर का है विच इज करंट पर यूनिट एरिया है ना, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर। इस वायर में इतना करंट डेंसिटी है, ठीक है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। अब हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, है ना, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले वहाँ पे क्लोज लूप बना दो, क्योंकि हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमें क्लोज लूप चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पी पे एक सर्कुलर क्लोज लूप बना दिया, ठीक है। सपोज करो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर के बराबर, इसका रेडियस किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। अब इस वायर में करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये पूरे जो आपका सिलिंड्रिकल वायर है इसमें करंट आपका ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट डेंसिटी आपको गिवन है और करंट इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूं, है ना, इस पॉइंट पी की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पी पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप बता सकते हो क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। यस, पी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन। देखो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, इनटू द प्लेन, वेरी गुड। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे आप, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, है ना, इस पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो जो आपका वेक्टर होगा वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, यू हैव टू ड्रॉ वन टेंजेंट लाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। सपोज मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दोगे, आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे पता चल गई, पी पॉइंट पे इनसाइड होगी, है ना, इनटू द प्लेन होगी। अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं इस क्लोज लूप पे क्या लगाऊंगा, एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा ना। पहले मैं पी पॉइंट की बात करता हूँ, क्यू को मैं इरेज कर देता हूँ। तो पी पॉइंट पे एम्पियर्स लॉ लगाना है मुझे, देखो ये क्लोज लूप पे मैं एम्पियर्स का लॉ लगाऊंगा। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, उस लूप के अंदर कितना करंट आपका एनक्लोज्ड है, ठीक है। तो अब यहां से आप देखो जो आपका बी वेक्टर है, हर पॉइंट पे आपका बी वेक्टर है और जो डीएल वेक्टर है दोनों पैरेलल वेक्टर से, है ना, डीएल वेक्टर भी इधर है, बी वेक्टर भी इधर है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे भी आपका बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल है, ठीक है, इस लूप के अलोंग। जिस भी पॉइंट पे आप कंसिडर करोगे आपके बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों पैरेलल है। तो बी डॉट डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, बी डीएल
cos 0 b dl cos 0 which is equal to mu naught times करंट एनक्लोज्ड. अच्छा, अब एनक्लोज करंट आपका कितना होगा? एनक्लोज करंट मतलब इस लूप में से आपका कितना करंट पास होगा. तो पूरी वायर में से आपका कितना करंट पास हो रहा है? पूरी वायर में से आपका करंट कितना है? आई पास हो रहा है. ठीक है, पूरी वायर में आपका करंट कितना पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है. ठीक है, तो पूरी वायर का एरिया कितना है आपका? पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर एरिया में से अगर आई करंट पास हो रहा है तो ये वाले एरिया में से कितना करंट पास होगा, मतलब पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर में से कितना करंट आपका पास होगा, ये हमें फाइंड करना है. ये जो करंट आएगा उतना ही करंट आपका एनक्लोज करंट कहलाएगा. ठीक है, जो इस एरिया में से आपका करंट पास होगा उतना ही करंट आपका जो होगा वो एनक्लोज करंट कहलाएगा. ठीक है, बाकी करंट से हमें मतलब नहीं, क्योंकि हम एम्पियर्स लॉ इस क्लोज लूप पे लगा रहे हैं, तो हमें इस क्लोज लूप को खाली कंसिडर करना है. जितना करंट इस लूप में से पास करेगा उतना ही करंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. तो उस करंट की वैल्यू कितनी आएगी आप यहाँ से निकाल सकते हो, विच इज आई इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, I अपॉन कैपिटल पाई आर स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ? J बोल सकता हूँ, विच इज योर करंट डेंसिटी. इसको मैं J सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे. तो I अपॉन कैपिटल पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको J के बराबर. ठीक है, मेरी करंट डेंसिटी के बराबर. ठीक है, तो बस यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर दो. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो पूरे पाथ पे कांस्टेंट है, क्योंकि आपका करंट का वैल्यू कांस्टेंट है. करंट का वैल्यू कांस्टेंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म पूरे क्लोज पाथ में. आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा, खाली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही. लेकिन उसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड पूरे के पूरे पाथ पे आपका सेम है. तो मैग्नीट्यूड आपका सेम है तो ये बी आपका बाहर आ जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल किसका हो जाएगा? डीएल का क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा. ठीक है, डीएल को आप क्लोज इंटीग्रल कर दो. ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? बट ध्यान से देखो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है. ये किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स जे विच इज करंट डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. अच्छा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, मुझे जे के टर्म्स में लिखना है तो मैं इसको जे के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ. अब डीएल को जब आप क्लोज इंटीग्रल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 पाई आर के बराबर. यू विल गेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बी इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे इंटू पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ से देखो आप कौन कौन सा पैरामीटर आपका कैंसिल आउट हो रहा है. पाई से पाई कट गया, आर से आर आपका कैंसिल हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया आपका यहाँ पे? म्यू नॉट टाइम्स जे इंटू आर अपॉन टू, है ना? म्यू नॉट टाइम्स जे इंटू आर अपॉन. कहने का मतलब ये है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड वाले पॉइंट पे, म्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी भी आपका कांस्टेंट है, टू भी आपका कांस्टेंट है. तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आर. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आर मतलब इनसाइड अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, है ना, इनसाइड अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? रेडियस के. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का इस पे फ्रेम होता है. आपको ग्राफ दिया रहता है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेडियस का. ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे फ्रेम होता है, देखो इधर. और आपको बोला गया होता है कि अगर आपका आर का वैल्यू है ना, यहाँ पे आपका R का वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है.
अगर मैं इस रीजन की बात करूं, है ना, जब आपका आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम है या तो उसके बराबर है, तो इस रीजन के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा वो लीनियर वेरिएशन होगा। ठीक है, इस रीजन के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा वो लीनियर वेरिएशन होगा। ठीक है, यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, सपोज करो हमारा पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है, सपोज करो हमारा पॉइंट आउटसाइड है वायर के, है ना, वायर के आउटसाइड हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, हम डायग्राम एक नया बना लेते हैं। अब सपोज करो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया विच इज आउटसाइड द वायर, ठीक है, ये मेरा वायर है और इसके आउटसाइड मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया। अब आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो देखते हैं वहां पे फ्लक्चुएशन कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये आपका कैपिटल आर है रेडियस। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया क्यू, और इसका भी सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। तो अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है कि आपका क्या वैल्यू आता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो वापस से मैं एक सर्कुलर लूप बना दूंगा, अगर मुझे एम्पियर्स लॉ लगाना है तो मैंने वापस एक सर्कुलर लूप बना दिया इस तरह का। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट आपका ऐसे जा रहा है, हमें करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वापस आपका इनसाइड ही होगा, इस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर व्हिच इज इनसाइड। ठीक है, इस तरह से हर पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड यू कैन फाइंड, इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे होगा, है ना, टेंजेंट टेंजेंट लाइन आपको ड्रॉ करते जानी है ना, टेंजेंट बनाते जाओ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकालते जाओ। ठीक है, तो वापस से आप यहाँ पे एम्पियर्स का लॉ लगा सकते हो, एम्पियर्स का लॉ क्या बोलता है, देखो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, इसका ध्यान रखो, एनक्लोज्ड करंट, हमेशा वो करंट लेनी है जो आपके लूप को एनक्लोज कर रही है। ठीक है, अब वापस से देखो, बी डी एल को मैं लिख सकता हूँ बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे आपका चेंज क्या आएगा, आपकी जो एनक्लोज करंट है, अब यहाँ पे बताओ आपकी एनक्लोज करंट किसके बराबर होगी, इस लूप के लिए आपकी जो एनक्लोज करंट होगी वो किसके बराबर होगी, बताओ, व्हाट विल बी द एनक्लोज करंट, आई के बराबर, वेरी गुड, टोटल करंट आपकी कितनी है, आई के बराबर, है ना, तो एनक्लोज करंट आपकी पूरी आ जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी करंट आपके इस लूप को एनक्लोज कर रही है। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा म्यू नॉट टाइम्स आई, है ना, पूरी करंट मेरी टोटल करंट कितनी है, आई के बराबर, तो मैंने टोटल करंट यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब वापस आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल आप किसका करोगे, डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर, डीएल का क्लोज इंटीग्रल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी इंटू टू पाई आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, अब यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा विच इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ठीक है, और सही बात भी है, आप याद करो वो केस जब आपकी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होती थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होती थी, और हम किसी आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो हमें यही मिलती थी ना, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, यही रिलेशन तो हमें मिलता था। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर आपकी होती थी और हमें किसी आउटसाइड वाले पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी तो हमें यही रिलेशन मिलता था। ठीक है, इनसाइड आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि इनसाइड आपकी करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी,
लेकिन आउटसाइड अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो देखो आपका पूरा का पूरा करंट एनक्लोज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा करंट आपका अगर एनक्लोज हो गया तो आपको सेम रिलेशन मिलेगा जो हमें इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर से मिलता था, बिल्कुल सेम रिलेशन आपको वैसा ही मिले। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के। इसके ग्राफ में आपका चेंज हो जाएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपका किस तरह से आएगा, मतलब आर की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। आर की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी, है ना। जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाए, ठीक है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों चीजों से आपने क्या सीखा। इन दोनों चीजों का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि अगर मेरे पास कोई वायर है इस तरह की, कंक्लूडिंग पॉइंट इसका ये है, अब जब मैं आर इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है, सपोज करो ये सेंटर है, अब यहां से जब मैं आर बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं आर को इंक्रीज करता जा रहा हूं मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक आपका आर कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए, है ना। जब तक आपका आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, जब आपकी ये कंडीशन अचीव हो गई, इसके बाद जब आप आर को और इंक्रीज करोगे तो फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जब आपका आर कैपिटल आर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल सही बात भी है, आप लॉजिकली भी सोचो तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि जब हम वायर के अंदर हैं और जब हम वायर के अंदर आर को बढ़ा रहे हैं तो हमारी करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन करंट की वैल्यू इस पॉइंट तक ही इंक्रीज होगी। इस पॉइंट के बाद आपकी करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। इस पॉइंट के बाद आपकी करंट की वैल्यू है जो कांस्टेंट हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद आप कितना भी दूर चले जाओ आपकी करंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी बड़ा क्लोज लूप बना लो। लेकिन आप जितना ज़्यादा आर बढ़ाते जाओगे उतना आपका इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होते जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप आर बढ़ाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो कम होते जाएगा। तो ये पॉइंट पे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ये फैक्टर्स को अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हो तो इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी बड़े अच्छे से, ये सबको आना चाहिए, अपने नोट्स बड़े अच्छे से बनाना। अच्छा, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ ना तो शॉर्ट नोट्स में आप खाली, अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो शॉर्ट नोट्स में, मैं आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बी की वैल्यू बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, जब आर का वैल्यू कैपिटल आर तक होगा। जैसे ही आर का वैल्यू फर्दर इंक्रीज करूंगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और कब तक कम होता रहेगा, जब तक मैं आर का वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा। तो शॉर्ट नोट्स में आप खाली इतना सा बनाओ और यहाँ पे उसका ग्राफ बना दो, ठीक है, बी वर्सेज आर का वैसे ग्राफ बना दो, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन ये तब आपके बनेंगे जब आपने इसको अच्छे से समझा होगा, है ना। आप कई बच्चे शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बना देंगे, बाद में पता चलेगा ये इसमें हमने किया क्या था, हमें वही नहीं पता चल रहा, तो उस टाइम शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे आपके। जब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे एक बार फिर आपके शॉर्ट नोट्स आपको बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, चलो ये वाला कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया, हम आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, है ना, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब एम्पियर्स लॉ मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए हो किस तरह से अप्लाई करना है ना। एम्पियर्स लॉ के हमने काफ़ी सारे एप्लीकेशन देख लिए, एक और एप्लीकेशन देखते चलो। अब बात करते हैं टोरोइड की, आपने सोलेनोइड तो बहुत पढ़ लिया, अब जो एप्लीकेशन है आपका टोरोइड। ठीक है, अब टोरोइड क्या होता है, टोरोइड आपका इस तरह से वायर होता है, इसमें भी वायर की लूपिंग की जाती है लेकिन इसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है ना, आपका सर्कुलर ट्रैक में आपकी लूपिंग की जाती है, है ना, सर्कुलर ट्रैक में आपकी इस तरह से लूपिंग की जाती है, वायर की आपकी लूपिंग इसमें भी करी होती है लेकिन कुछ इस तरह से करी होती है कि वो सर्कुलर शेप ऐसे फॉर्म करता है।
ठीक है, इस तरह का आपका सर्कुलर शेप फॉर्म बनता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम टोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपकी वायर की कॉइलिंग ही होती है एक तरफ से, लेकिन इसमें ऐसा सर्कुलर अरेंजमेंट बना दिया जाता है ना। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका करंट अंदर जाता है, यहाँ से गोल 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 घूम के, ठीक है, यहाँ से आपका करंट ऐसे गोल घूम के, और फिर यहाँ से आपका करंट बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका करंट बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। अब टोराइड में भी आपका सिमिलर कंसेप्ट है जैसे हम सोलेनोइड में यूज करते थे, क्योंकि दोनों में हम वायर की कॉइलिंग ही करते हैं और दोनों में करंट को पास करते हैं। ठीक है, खाली अरेंजमेंट का फर्क होता है। सोलेनोइड में आपका सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट होता था, है ना, इस तरह से आपकी कॉइलिंग होती थी, सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट रहता। और टोराइड में आपका कैसा अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। बाकी कंसेप्ट दोनों का बिल्कुल सेम है, दोनों का प्रिंसिपल वर्किंग सब सेम है, खाली शेप का फर्क आ जाता है। यहाँ पे सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे आपका सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगा के देखते हैं। एम्पियर्स लॉ लगाओ इस पे टोराइड पे, है ना, टोराइड पे एम्पियर्स लॉ लगा के देखो। एम्पियर्स लॉ लगाते हैं टोराइड के अंदर। ठीक है, सपोज करो मैंने आर डिस्टेंस पे एक सर्कुलर रीजन कंसिडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ आपने ऐसे कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे आप एम्पियर्स लॉ लगाओ तो वही क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। एनक्लोज करंट का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, कितना करंट आपका कॉइल को एनक्लोज कर। ठीक है, सपोज करो आपके टोराइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन। टोराइड में आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके हो जाएंगे एन अपॉन टू पाई आर। ठीक है, दिस इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज कैपिटल एन अपॉन टू पाई आर। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तो बस आप वापस यहां पे इंटीग्रेट कर दो। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी वापस कॉन्स्टेंट रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। और डीएल का इंटीग्रेशन आप सब जानते ही हो कितना होता है, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टू पाई आर के बराबर। ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। अब एनक्लोज करंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके कैपिटल एन है, और एक टर्न में कितना करंट है आई, है ना, ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स है आपके, तो टोटल करंट आपकी कितनी हो जाएगी, एन टाइम्स आई के बराबर। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी करंट हो गई। ठीक है, एन टाइम्स ऑफ आई आपकी करंट हो गई। तो यहाँ पे भी आपको सेम रिलेशन मिल जाएगा विच इज म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई अपॉन टू पाई आर। ठीक है, अब एन अपॉन टू पाई आर को मैं क्या बोल सकता हूँ, विच इज योर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा आपको विच इज म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई, जो आपको सोलेनोइड में रिजल्ट मिलता था वही आपको सेम रिजल्ट टोराइड में मिलेगा। ठीक है, जैसा आपको सोलेनोइड में रिजल्ट मिलता था सेम रिजल्ट हमारा किस में होगा, टोराइड। ठीक है, चलो ये बात सबको क्लियर हो गई यहां तक? यस सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे नहीं लगता एम्पियर्स लॉ में इससे ज्यादा आपसे वो कुछ पूछ सकता है, लेकिन फिर भी हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते तो हमारा एम्पियर्स लॉ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इवनिंग वाली क्लास में। सपोज करो हमारे पास ऐसा एक वायर है, ठीक है, एक स्ट्रिप दिया हुआ है ना, सपोज करो ऐसा हमें एक स्ट्रिप दिया हुआ है और इस स्ट्रिप का आपको विड्थ दिया हुआ है बी के बराबर, है ना, इस स्ट्रिप का आपको थिकनेस दिया हुआ है बी के बराबर। ठीक है, अब इसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है, इस पूरी स्ट्रिप के अंदर आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट आपका यहाँ पे
फ्लो कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है कि इस ट्रिप से आर डिस्टेंस पे, इस ट्रिप से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, है ना। इस ट्रिप से अगर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अगर पी है तो उस पॉइंट पी पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिप है आपका, कैसा स्ट्रिप है आपका, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से ऊपर भी जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। अब ये वायर नहीं है, ठीक है, ये आपका स्ट्रिप है, एक मोटा सा स्ट्रिप है जिसका थिकनेस आपको दिया हुआ है बी के बराबर। और हमें पूछा गया है कि इस स्ट्रिप से अगर मैं आर डिस्टेंस दूरी पे जाता हूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, ठीक है। वट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस स्ट्रिप। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस। अब अगर आप इस स्ट्रिप को ध्यान से देखो, है ना, पहले तो थोड़ा इमेजिनेशन आपका डेवलप होना चाहिए। अगर ये स्ट्रिप को मैं ध्यान से देखूं तो स्ट्रिप है क्या, स्ट्रिप इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। इस स्ट्रिप के अंदर बहुत सारी ऐसी वायर्स होंगी, तभी तो स्ट्रिप किससे बनता है, बहुत सारी वायर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रिप है मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग वायर्स होगी इसके अंदर, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। स्ट्रिप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब मैं मान सकता हूँ कि स्ट्रिप के अंदर बहुत सारी वायर्स है, है ना, इस थिकनेस के अंदर बहुत सारी वायर्स है। इस तरह से आप थोड़ा इमेजिनेशन डेवलप करो, इसके अंदर बहुत सारी वायर्स, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। और टोटल करंट अगर मान लो इस पूरी स्ट्रिप में अगर आपका टोटल करंट आई है, इस पूरी स्ट्रिप की थिकनेस है बी और इसमें टोटल करंट आई है, तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा थिकनेस लेता हूँ वायर का, छोटी सी थिकनेस लेता हूँ वायर की, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर्स होगी, है ना, बहुत सारी वायर्स है, अब उतनी सारी वायर्स आपको दिखा भी नहीं सकते, ठीक है, इतनी सारी वायर्स है इसके, तो मैंने एक छोटा सा थिकनेस कंसिडर किया वायर का, इस डी एक्स वायर का थिकनेस कंसिडर किया, और इसकी वजह से कितना करंट इसमें फ्लो करेगा मैं निकाल सकता हूँ। अगर आपका टोटल करंट आई है और वो इस बी थिकनेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर इस छोटी सी थिकनेस की अगर मैं बात करूँ, छोटी सी थिकनेस की बात करूँ, डी एक्स थिकनेस की बात करूँ, तो इसके अंदर कितना करंट होगा, है ना, इसके अंदर कितना करंट होगा, इस एलिमेंट में कितना करंट, इस एलिमेंट में आपका करंट हो जाएगा I टाइम्स डी एक्स अपॉन बी, इतना करंट आपका इस एलिमेंट में होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस तरह का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूँगा और उसकी वजह से सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है, उस एलिमेंट की थिकनेस आपको पता चल गई dx के बराबर। अब इस एलिमेंट से x डिस्टेंस की दूरी पे, इस एलिमेंट से सपोज करो ये पॉइंट है x डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, इस एलिमेंट से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर ये है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट P पे, इस एलिमेंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ये देखो, ये जो हमने थिकनेस कंसिडर किया ये ऐसे ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है इन्फिनिटी तक और नीचे भी जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब हमने थिकनेस इतना छोटा इसलिए कंसिडर किया क्योंकि ये थिकनेस अगर आप बहुत छोटा कर दोगे तो ये आपका वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, आपका जो स्ट्रिप होता है उसका कुछ थिकनेस होता है, कुछ फाइनाइट थिकनेस होता है, जब हम उस थिकनेस को कम करते जा रहे कम करते जा रहे कम करते जा रहे कम करते जा रहे, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया मैंने उसको डी एक्स के बराबर कर, तो वो आपका एक वायर में कन्वर्ट हो गया, ये आपका एक इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो गया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये एक इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से
मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है किसी डिस्टेंस एक्स पे, तो वो क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट अपॉन, करंट मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना है, आई डैश मान लेता हूँ, म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे, तो वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई एक्स। अब आई डैश का वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, आई डैश का वैल्यू मैंने इधर निकाला, देखो आई डैश का वैल्यू क्या होगा मेरा, कितना करंट इस थिकनेस में से पास कर रहा है, तो यही मेरा आई डैश होगा। आई डैश का वैल्यू क्या होगा मेरा, आई टाइम्स डी एक्स अपॉन बी, इतना जो करंट होगा मेरा इस छोटी सी थिकनेस में से पास करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिल गई, म्यू नॉट टाइम्स आई इंटू डी एक्स अपॉन बी, ठीक है, इंटू 2 पाई एक्स। तो ये मुझे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो, आर यू एबल? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार लेवल पे हम अभी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, पहुंच ही गए आप। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम देखो कैसे होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हमने बेसिक मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, वायर, सर्कुलर लूप, ठीक है, फिर फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वही सारे कंसेप्ट आपके यूज होंगे, और कोई नई चीज नहीं पूछेगा, वही सारे कंसेप्ट आपके हर जगह पर ही लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 2 पाई एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, अब इस डी एक्स एलिमेंट को मैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, एक्स की वैल्यू में लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा। यस, एक्स की वैल्यू कहाँ से वेरी कराऊंगा कि मेरी ये पूरी वायर कवर हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्स को मैं कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊंगा कि मेरी ये वाली मेरी पूरी वायर कवर हो जाएगी, बताओ, ये पूरी वायर को मुझे ये पूरी विथ को कवर करना है। ठीक है, तभी मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द एक्स, इंटीग्रेट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप लिमिट्स क्या लगाओ। अब देखो पल्लव कह रहा है 0 से b लगाओ, 0 से b इज़ नॉट करेक्ट। यश ने बोला r to r+b, यस r to r+b इज़ करेक्ट, प्रियांशी इज़ ऑल्सो करेक्ट। आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, x की वैल्यू जब r के बराबर होगी तो क्या मैं इस पॉइंट पे होऊंगा, अगर x की वैल्यू r पुट करूंगा तो क्या आई एम एट दैट पॉइंट a, और जब मैं x की वैल्यू को r प्लस बी के बराबर पुट करूंगा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा b पॉइंट पे, और मुझे a से b तो लेंथ कवर करना है इसका, है ना। तो x की वैल्यू जब मैं r पुट करूंगा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, और x की वैल्यू जब मैं r प्लस बी पुट करूंगा तो मैं इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाऊँ। तो मेरी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, फ्रॉम r टू r प्लस बी। तो बस आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फ्रॉम r टू r प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, ये सारे पैरामीटर्स आपके बाहर आ जाएंगे। म्यू नॉट इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, 2 पाई इज आल्सो कांस्टेंट। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, बताओ डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब ये आपको आना चाहिए, फ्रॉम आर टू आर प्लस बी, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। यस, वॉट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, एल एन एक्स, वेरी गुड। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, लॉग नेचुरल एक्स, ठीक है, नेचुरल लॉग ई बेस एक्स। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन बी इंटू 2 पाई ln x, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, फ्रॉम r टू r प्लस बी। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी इंटू ln ऑफ r प्लस बी अपॉन आर।
दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है अगर आप इस चीज को इमेजिन कर पाते। एक सवाल आपको और देता हूँ, आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे और मेरे को बताओगे आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सपोज करो हमारे पास ऐसा एक कोएक्सियल केबल है, ये वाला आप होमवर्क में ट्राई करोगे। हमारे पास ऐसा एक केबल है, ठीक है, ठीक है, और आपको सबका रेडियस गिवन है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको गिवन है, ये आपकी सेंटर लाइन है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको गिवन है विच इज सी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको गिवन है विच इज बी, ठीक है, मतलब रेडियस आपको गिवन है ना, इनर का रेडियस कितना है बी है और आउटर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है बी, ये केबल एक तरह का, दिस इज योर कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। हमारे जो घर में केबल का वायर होता है ना, उसको अगर आप कट करके देखोगे ना तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा, अंदर से जब आप उस वायर को देखोगे तो उसके अंदर एक और वायर होता है छोटा सा, ठीक है, ये उसकी आउटर कवरिंग होती है और ये उसकी इनर कवरिंग होती है, ठीक है, इसलिए इस टाइप के केबल्स को हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल। जो आपके घर में बिजली का तार आता है, इलेक्ट्रिसिटी केबल जो वायर आता है आपका, जो भी है ना इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो आपकी होती है वो इस तरह की होती है, अगर आप उसको अंदर से कट करके देखोगे तो आपको इस तरह का केबल दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक कोएक्सियल वायर दिया हुआ है और उस वायर में जो आपका करंट है, ठीक है, वायर में करंट आपका कितना है, अच्छा ये एक और वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे, है ना, ये कोएक्सियल वायर किसी दूसरे वायर से यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करना, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक और वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे जिसका रेडियस आपको गिवन है ए के बराबर, ठीक है, इस वायर का रेडियस आपको किसके बराबर गिवन है, इस वायर का रेडियस आपको ए के बराबर गिवन है, ठीक है। अब इसमें करंट है आपका, इस वायर में जो करंट है आपका इधर जा रहा है आई, और ये वाली वायर है जो आपकी, इसमें करंट आपका ऐसे जा रहा है आई, दोनों वायर्स में आपका करंट ऐसे ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है What is the value of magnetic field? What is the value of magnetic field at a point R? Suppose करो इसके center से एक point है R distance पे, है ना, यहाँ पे एक point है P, ठीक है, this is your point P, which is at a distance of R from the center. तो हमें find करना है what is the value of magnetic field at a point P? This is your question. What is the value of magnetic field at this point P, which is located at a distance of R from the center of this, from the center line? ठीक है, आपकी center line है, इससे आपका distance कितना है इस point का R? इस point पे हमें magnetic field का value निकाल। काफी practical question है, इसको सब लोग try करेंगे, ठीक है बेटा? ये नहीं समझ रहे, wire का setup कैसे? Wire का? ये वायर कैसे है वो समझाओ ना एक बार। अच्छा वायर कैसा है वो समझाता हूँ। देखो ये वाला जो आपका वायर है ये सॉलिड वायर है, दिस इज सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। सॉलिड मतलब आप समझते हो? सर शाम की क्लास को वापस बताओ। सॉलिड, अच्छा शाम को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉलिड वायर समझते हो ना, सॉलिड और होलो में आपको फर्क पता चलता है? सॉलिड किसको बोलते हैं, होलो किसको बोलते हैं? हाँ, ये वाला जो वायर है आपका ये होलो वायर है और ये वाला जो वायर है आपका सॉलिड वायर है, दोनों को हमने इस तरह से कनेक्ट किया हो,
ठीक है, सॉलिड और होलो का कनेक्शन। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, इवनिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप समझ गए तो ट्राई करना इसको। चलो अब हम क्लास को इधर ही एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट इन द इवनिंग क्लास। आते ही क्लास होगी आपकी। अच्छा, आज आपका प्रैक्टिकल है क्या? 40 को खत्म होगा। अच्छा, 4:40 को खत्म होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर हम कल मॉर्निंग में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर, कल मॉर्निंग क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओके बाय। थैंक यू, ओके बेटा, थैंक यू सर।